रुख करेंगे देवभूमि की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो आज टिहरी गढ़वाल का दौरा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और 2 बजे मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मसूरी विधानसभा में एक विशाल जनसभा होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन होगा, वहीं विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मसूरी में आपको बता दें, ये सभा रखी गई है, 2 बजे मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। आज टिहरी गढ़वाल का दौरा करने जा रहे हैं सीएम। तो न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी भी लगातार जनसंवाद कार्यक्रम कर रही है, और जनसंवाद का तात्पर्य यही होता है कि जनता से सीधे तौर पर संवाद, जितने विकास के कार्य हुए हैं, कहां पर कमी रह गई है, आगामी समय में किस तरह की घोषणाएं हैं जिन्हें अमलीजामा पहनाना है, ये तमाम जो ब्यौरा है कहीं ना कहीं जनसभा के माध्यम से देने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे आज मुख्यमंत्री धामी। और इस वक्त दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारी है, किस तरह की जनसभा का संबोधन यहां पर होना है, जाने के लिए सीधे रुख करेंगे मसूरी का। हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी की हम बात करें तो निश्चित तौर पर एक तैयारी के साथ वो हमेशा ही दिखते हैं, लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आज जब मसूरी पहुंचेंगे तो क्या कुछ उनके दौरे का पूरा शेड्यूल होगा, कब तक पहुंचेंगे और सभा का समय यहां पर क्या निर्धारित किया गया है? बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो आज का मैराथन बैठ के ले रहे हैं जनसभा, और जिसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं अधिकारियों की वो भी स्थिति नजर आई है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो टिहरी जनपद और राजधानी देहरादून के मसूरी क्षेत्र का है। मसूरी की अगर बात की जाए तो लगभग 2 बजे के करीब मसूरी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर कई बड़ी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम होगा और एक जनसभा का भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर एक घोषणा है जो मुख्यमंत्री की, उसको यहाँ पर पूरी करने की तैयारी हो चुकी है और आज का विधिवत लोकार्पण हो रहा है। एक बहुत प्रतीक्षित मसूरी को लेकर मल्टी लेवल पार्किंग है जो लंबे समय से निर्माणाधीन थी, आज उसको जनता को सौंपने की तैयारी यहाँ पर की गई है, उसका लोकार्पण होगा। और इसके बाद मसूरी में काफी हद तक जो पार्किंग की एक बड़ी समस्या है वो दूर होने की उम्मीद है, इसको सरकार आज पूरी तरह से, बड़ी समस्या है वो दूर होने की उम्मीद है और इसको सरकार आज पूरी तरह से जनता को समर्पित करने जा रही है। और इस जी जी आपकी बात पूरी करें। जी जी बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार जो यहाँ पर दिक्कतें हैं और जनता की क्या कुछ समस्या है, इसको लेकर सीधा संवाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम जनता से करते हुए नजर आएंगे और सीधे जनसभा के माध्यम से अपनी बात रखेंगे मसूरी क्षेत्र को लेकर। जो तमाम घोषणाएं, जो योजनाएं सरकार के स्तर पर चल रही है, उनको जनता को बताने का काम करेंगे। और मसूरी क्षेत्र में आने वाले भविष्य में अगर सरकार दोबारा भाजपा की आती है तो क्या कुछ काम किया जा सकता है, क्या कुछ योजनाएं सौंपी जा सके, तो तमाम पहलुओं पर जनसभा के माध्यम से मुख्यमंत्री कहने का काम करेंगे। वैलीज यानी कि घाटी की रानी से कहा जाता है, और यही वजह है कि पर्यटक भी लगातार यहां पर पहुंचते हैं। पर्यटन स्थल के तौर पर निश्चित तौर पर मसूरी डेवलप माना जाता है, लेकिन जो वहां के मूल निवासी है, जो रहवासी है, जिनका व्यापार वहां पर निर्धारित है, जिनकी रोजी रोटी वहां पर उपलब्ध है, उनके लिए क्या ऐसे कोई बड़े मुद्दे हो सकते हैं जिसके लिए सरकार अपनी तरफ से कोई कोशिश करे, या फिर एक क्षेत्रीय स्तर पर हम बात करें तो किस तरह के जमीनी मुद्दे यहां पर सामने आ रहे हैं मसूरी में? बिल्कुल, अगर मसूरी की बात की जाए तो पहाड़ों की रानी मसूरी को जरूर कहा जाता है और वीकेंड्स पर या आम मौसम में भी यहाँ पर काफी भीड़भाड़ पर्यटकों की नजर आती है। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय स्तर पर अगर समस्याओं की बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या मसूरी में पेयजल की है, जिसको लेकर आज बड़ी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास यहाँ पर होने जा रहा है, जो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी जो समस्या है वो पार्किंग की है। अमूमन देखा यह जाता है कि वीकेंड्स पर या जैसे बर्फबारी का मौसम शुरू होगा तो काफी भीड़ उत्तराखंड का रुख करती है और मसूरी में काफी लंबा जाम भी लगता है, इसके चलते रूट डाइवर्ट होते हैं जिससे आम जनता को काफी परेशानी होती है। तो इसके लिए बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण लंबे समय से मसूरी में हो रहा था, जिसको आज विधिवत सौंपने की तैयारी राज्य सरकार ने की है। इसका लोकार्पण के जरिए कहीं ना कहीं जो यातायात है उसे व्यवस्थित करने में तो मदद मिलेगी ही, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है पेयजल की, उसे लेकर भी यहां पर अब उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद जो समस्या है वो दूर हो सकती है। आपसे आगे भी इस खबर पर तमाम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।